जो रेलवे स्टेशन आकार ले रहा है उसका दृश्य आपको दिखा रहा हूँ मैं, जिसके अधिकृत रूप से 7 से 8 महीने में पूरा होने की दावेदारी की जाती है अधिकारियों द्वारा। अधिकतम 1 वर्ष लग सकता है। आप ये देख रहे हैं कि ये मोटक्का, ये इंदौर इच्छापुर रोड पर, ये रोड से ये प्लेटफार्म और ये पटरी बिछाने के लिए चट्टे लगाए जा रहे हैं लंबा पूरा इधर रेलवे गेट तक, और इधर ये सनावत की ओर, और ये प्लेटफार्म आएगा इस तरह से और ये रोड साइड से। इसमें 2 अंडरपास बनाए जा रहे हैं, रोड से प्लेनली अंदर आएगा व्यक्ति और उसके बाद अंडरपास से प्लेटफार्म तक पहुंचेगा। प्लेटफार्म काफ़ी ऊंचाई पर बन रहा है। आगे और इसका वृहद दृश्य दिखाते हैं आपको। ये मोटक्का स्थित ओंकारेश्वर रोड, नया रेलवे स्टेशन जो आकार ले रहा है उसका प्लेटफार्म जो निर्माण हो रहा है। ये रोड देख सकते हैं आप, इंदौर इच्छापुर रोड, और ये पूरा लंबा इधर जो है ये प्लेटफार्म जाएगा, इधर ये पटरियाँ पटरी बिछेगी और उस साइड से प्लेटफार्म आएगा। स्टेशन के अंदर 2 अंडरपास बन रहे हैं और पूरा बड़ा भव्य स्वरूप और अच्छी डिज़ाइन के साथ एक उल्लेखनीय चीज़ जो है ओंकारेश्वर रोड स्टेशन के रूप में निमाड़वासियों को, क्षेत्रवासियों को जल्द सौगात मिलने वाली है वर्ष भर में। और साथ ही रेलवे ओवरब्रिज जो भेज बाजार के वहाँ, और अंडरपास वो भी जल्दी जल्द आकार ले रहे हैं। रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया और मार्च में संभवतः जो है सनावत खंडवा ट्रेन भी शुरू हो जाएगी जल्दी, ऐसी उम्मीद की जा रही है, जो भोपाल भुसावल तक चलेगी और बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगी। अंडरपास और ये इधर रेलवे फाटक तरफ और आकार लेता हुआ, इसको सैंपल किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह ओंकारेश्वर स्टेशन की महत्वपूर्ण अपडेट जाकिर हुसैन जी के द्वारा प्रेषित की गई। काफ़ी प्रगति हमें इसके कार्यों में देखने को मिल रही। जैसा कि हमने आपको जनवरी के प्रारंभ में बताया था, तब यह जो कार्य थे सभी प्रारंभिक अवस्था में थे। अब प्लेटफार्म की हाइट कितनी रहने वाली है यह क्लियर हो चुका है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये प्लेटफार्म की ऊँचाई अधिकतम रहेगी और इस पर दीवार का निर्माण किया जाएगा। साथ ही जो एंट्री गेट है वह भी अभी बनाया जाना है, साथ ही बिल्डिंग का भी निर्माण होना है। और यह क्लियर हो चुका है कि 2 अंडरपास वहां पर बनाए जाएंगे प्लेटफार्म पर आवागमन के लिए, और एग्जिट के लिए भी इनका ही उपयोग किया जाएगा। काफी खुशी की बात है। ओंकारेश्वर स्टेशन का निर्माण कार्य वर्षाकाल के पूर्व संबंधित एजेंसी को जो बड़े सिविल कार्य हैं वह कर लेने चाहिए, ताकि बरसात में काम बंद रहने की स्थिति में कार्य की गति प्रभावित ना हो, ताकि इस वजह से जो कार्य का डिले होगा उसको कवर किया जा सके। हालांकि इस दिशा में कार्य अभी तो फिलहाल ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और उम्मीद है कि बरसात के पूर्व अच्छी प्रगति हमें स्टेशन के कार्यों में नज़र आएगी। और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।